State government's decision that there shall be no movement of civilian traffic on Jammu-Srinagar National Highway for 2 days every week to facilitate movement of forces evoked sharp reaction from the leaders of various political parties. Prohibiting traffic movement on Jammu-Srinagar National Highway from Baramulla for 2 days in a week was a decision taken in haste that will add more problems besides creating confusion among the people. इसकी इम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होंगी और ये लोगों की नकल हमल पर कदगन है और ये तो सीधे लग रहा है कि आवाम के खिलाफ गवर्नमेंट इंतजामिया जंग कर रही है जबकि हमारी यहाँ जो देखा गया है 1999 से लेकर आज तक जो फौज की यहाँ मूवमेंट नकल हमल होती है उसके लिए अच्छा खासा उनका इंतज़ाम होता है अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट होती है इससे तो यही अंदाज़ा लग सकता है कि इनका जो ये डिप्लॉयमेंट करना ये सारा नाकाम है और इसका इन पर कोई भरोसा उड़ गया है इसीलिए इन्होंने यहाँ जो लोगों की नकल हमल है उस पर कदगन लगाई है ये एक बहुत ही गैर संजीदा इकदाम है और इससे जो लोगों में दिक्कतें हैं परेशानियाँ वो बढ़ जाएंगी तो मुझे लगता है कि खासकर जो तिजारत पेशा आवाम है उस पर इसका बहुत ही बुरा असर होगा और ख़ासकर जो यहाँ से जो मरीज़ यहाँ से जम्मू जाते हैं या जो पंजाब जाते हैं इलाज मुआलजे के लिए उनके लिए बहुत ही गलत फैसला है और गवर्नमेंट इंतजामिया को गवर्नर इंतजामिया को चाहिए कि इस फैसले को जल्द अज जल्द वापस ले लें और इस हुक्मनामे को ख़त्म कर दें द प्रोहिबिशन ऑर्डर मस्ट बी रिवोक्ड इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल सेड जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला गवर्नर साहब और उनकी हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके ये हाईवे को बंद करने का जो फैसला है उस पर दोबारा सोचें 30 साल हो गए हमें मिलिटेंसी का यहाँ पे मुकाबला करते हुए कभी भी इस तरह हाईवे बंद करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई क्या हम ये मान के चलें कि मोदी साहब और उनकी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर का इतना बेड़ा गर्क किया है कि 30 साल में सबसे बदतर हालत आज रियासत की उन्होंने ये की अगर मोदी साहब इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि 30 साल में सबसे ज़्यादा आज हालात खराब है तो हम कुछ कह नहीं सकते लेकिन हमें नहीं लगता मैंने इतने इलेक्शन लड़े हैं जम्मू कश्मीर में मैंने 98 का इलेक्शन लड़ा मैंने 99 का इलेक्शन लड़ा हमने 2000 में असेंबली पे कार बॉम्ब का ब्लास्ट होते हुए देखा तब भी हमें ना इस हाईवे बंद करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई आज कैसे और अब ये हाईवे कोई छोटी सड़क नहीं है पूरा उधमपुर से लेके बारामूला तक इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ रियासती हुकूमत से और मरकज कि वो इस फैसले को दोबारा इस पे सोचें और कोई और तरीका निकालें कम से कम और कुछ नहीं तो बानिहाल और बारामूला के दरमियान जो फोर्सेस की मूवमेंट है उसको ट्रेन से करिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर महबूबा मुफ्ती सेड प्रोहिबिटिंग सिविलियन मूवमेंट ऑन हाईवे ट्वाइस इन अ वीक will create a chaotic situation for the civilians and described the prohibition order as surprising and taken without reviewing the problems which will confront the people due to the ban on civilian traffic on highway. ये बहुत गलत है जो हाईवे को हफ्ते में दो दिन आम लोगों के लिए सिविलियन ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है हम किसी जमहूरी निज़ाम में रहते हैं यहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं है किस किस्म का कानून चलेगा PDP इसकी सख्त मुखालफत करती है President J&K People's Movement Shah Faisal challenged the government to immediately revoke the ban on civilian traffic on Banihal Baramulla National Highway. He said that the attempts to terrorize Kashmiris will have to be fought back tooth and nail and no one shall be allowed to deny the right of movement to 7 million people. Shah Faisal regretted that illogical policies were being made to marginalize Kashmiris and push them further to the wall. He called for alternative arrangements for convoy movement so that ordinary people are not put on inconvenience. Bureau report, Kashmir.